नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट को लेकर डुमना एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने अनौपचारिक रूप से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नोडल विभाग बनाकर कहा कि इसकी डीपीआर शीघ्र तैयार कराएं। डीपीआर के बाद स्वरूप क्या होगी, स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इसमें पर्यावरण व नर्मदा संरक्षण के खिलाफ क्या क्या है उसे भी देखा जाएगा। प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने फंडिंग का सुरक्षा बताते हुए प्रोजेक्ट को फेसेस में करने को कहा। प्रथम फेज में लगभग 200 करोड़ का काम जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए, जिसमें घाटों का उन्नयन व साफ सफाई, नर्मदा बफर जोन में वृक्षारोपण, बायोडायवर्सिटी, लैंडस्केप, लोक प्रसाधन इत्यादि को शामिल किया गया है। द्वितीय फेज में नर्मदा पथ एवं अन्य विकास कार्य, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ की है, जिसमें नर्मदा ग्राम, नर्मदा वाटिका, नर्मदा पथ जो लगभग 15 किलोमीटर का है, नर्मदा रिसर्च सेंटर, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी पार्किंग इत्यादि शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।